राम राम सारे भाई ने आज मेरे 75 बार चल दिया। 122 हुआ दिन। सबसे पहले मैंने सुबह उठकर लेट गर्म पानी पिया, उसके बाद फ्रेश होकर मैं चल दिया वर्कआउट करने के लिए। सबसे पहले मैंने 12 स्पाटे, आज मैं एप्स का वर्कआउट करूंगा। सबसे पहले मैंने क्रंचीज एप्स वर्कआउट किया 12 रेपिटेशन के 5 सेट। उसके बाद भी मैंने किया लेग रेजिस एप्स वर्कआउट 12 रेपिटेशन के 4 सेट। उसके बाद भी मैंने क्रॉस बॉडी क्रंचीज किया 12 रेपिटेशन के 4 सेट। उसके बाद भी मैंने लास्ट एप्स वर्कआउट किया बाइसाइकिल क्रंच एप्स वर्कआउट 12 रेपिटेशन के 4 सेट। उसके बाद भी मैंने स्ट्रेचिंग करके मैंने आज का मॉर्निंग का वर्कआउट किया। उसके बाद फिर नहा धोकर खाना आकर फिर मैं गया कॉलेज में। उसके बाद फिर कॉलेज से घर आकर अपने घर के जरूरी काम कंप्लीट करके फिर मैं चल दिया शाम को जिम में। जिम में जाने के बाद सबसे पहले मैंने ट्रेडमिल पर 10 मिनट की मैंने रनिंग। उसके बाद भी मैंने की आज वेट ट्रेनिंग। आज मैं चेस्ट और ट्राइसेप का वर्कआउट करूंगा। सबसे पहले मैंने चेस्ट का पहला वर्कआउट किया इनक्लाइन बेंच प्रेस मशीन से 12 रेपिटेशन के 4 सेट। उसके बाद भी मैंने चेस्ट का दूसरा वर्कआउट किया डिक्लाइन बेंच प्रेस मशीन से 12 रेपिटेशन के 4 सेट। उसके बाद भी मैंने ट्राइसेप का पहला वर्कआउट किया रोप पुश डाउन केबल मशीन से 12 रेपिटेशन के 4 सेट। उसके बाद मैंने ट्राइसेप का दूसरा वर्कआउट किया वी बार पुश डाउन केबल मशीन से 12 रेपिटेशन के 4 सेट। उसके बाद फिर मैंने आज का जिम का वर्कआउट किया खत्म। उसके बाद फिर मैं आया जिम से घर घर पर आकर मैंने नहा धोकर खाना आकर उसके बाद फिर मैंने पढ़ी गीता। आज हमने गीता में सीखा श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्यों चिंता करते हो अगर लोग तुम्हें नहीं समझते। वास्तव में तो तुम चिंता तब करनी चाहिए जब तुम्हें स्वयं को नहीं समझ पाते। उसके बाद फिर मैंने किया पानी का टास्क कम्प्लीट। ये रही आज की सेल्फी। आज के हमारे सभी टास्क कम्प्लीट। जय श्री राम।